के बिना, मूल्यों के बिना प्राणी सामाजिक प्राणी नहीं बनता है। प्राणी की सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वो मूल रूप से मूल्य में ही समाहित है। हम हमारे परिवार में रहते हैं, हम हमारे ऑफिस में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हम अपने मूल्यों पर जीवित हैं। कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कहीं किसी को अच्छी भी नहीं लगती, प्रिंट मीडिया थोड़ा सा गंभीर है, प्रिंट मीडिया में अभी भी थोड़ी विश्वसनीयता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है, बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनसे कई मामले जो दब गए थे फिर से कुछ मुद्दे यहाँ पर बात भी आई है। अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं स्वनियंत्रण, स्वनियमन, इस मुद्दे पर थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो जो मूल्यों का पतन हुआ है और मूल्य इजिकल टू वैल्यू के बदले मूल्य इजिकल टू प्राइस हो गया है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम सब अपनी सोच में, अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन में, अपनी गंभीरता में, अपने विचारों में बहुत नीचे आ गए हैं। हम सब जब नीचे आते हैं तो कोई महान नहीं होता है। जिस मीडिया को आप दिन भर जी भर भर के बहुत से लोग कोसते रहते हैं, उसी मीडिया की वजह से जेसिका लाल मामले की दोबारा सुनवाई होती है। एक बड़े राजनेता का एक बाहुबली ने बेटा जो छूट जाता है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उसी सुप्रीम कोर्ट को मीडिया के चार पांच आर्टिकल्स की वजह से, लगातार हेडलाइंस की वजह से उस मुकदमे को दोबारा सुनना पड़ता है और उस लड़के को, मनु शर्मा को, उस हत्यारे को सजा सुनानी पड़ती है और जेल से भीतर दोबारा जाता है, क्योंकि बड़े अखबार ने, कुछ बड़े चैनलों ने वो कैंपेन चलाया कि ये क्यों बाहर आ गया, क्यों ये छूट सकता है। Nobody cared Jessica, हेडलाइन थी टाइम चली जाएगी। लड़की मर गई, लड़की चली गई, जो पकड़ा गया वो छूट जाता है, अखबार को बैनर लगाना पड़ता, Nobody cared Jessica। मनु शर्मा को दोबारा मुकदमा होता है, मनु शर्मा दोबारा जेल के भीतर जाता है। तो ये चीजें भी एग्जाम्पल्स है सोसाइटी में, जो समाज के अपग्रेडेशन के लिए, उसके 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 उत्थान के लिए मीडिया की तरफ से कोशिशें हो रही है। पूरा समाज जब कोशिश करेगा तो इस बात की 100% गारंटी है कि चीजें बदलेंगी। सूचना को बहुत लोगों तक पहुंचा देना ये मास मीडिया नहीं है। सूचना को बहुत लोगों तक पैम्फलेट के जरिए भी पहुंचाया जाता है, सूचना को बहुत लोगों तक इश्तेहार के जरिए भी पहुंचाया जाता है। अखबारों में भी इश्तेहार होते हैं, लेकिन वो अखबारों के इश्तेहार होते हैं, वो टेलीविजन के बीच में आने वाले इश्तेहार होते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने केवल इश्तेहार होते हैं, वो अलग होते हैं। और इसीलिए पैम्फलेट और अखबार में फर्क होता है, कई जगहों पर वो फर्क मिट रहा है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, आ सकते हैं उस पर। लेकिन किसी भी सूचना को बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत लोगों तक पहुंचाना जो होता है वो दरअसल मास कम्युनिकेशन होता है। और जिम्मेदारी शब्द, अकाउंटेबिलिटी शब्द जब गायब हो जाता है तो आप भी व्हाट्सएप हो गए, आप भी फेसबुक हो गए। आपको किसी के गाय काटने की तस्वीर मिली, आपने व्हाट्सएप पर वायरल कर दी बिना जाने, 5 साल पुराना वीडियो है आपने छाप दिया, करीना कपूर के बगल में बच्चा लेटा है, फिल्म का है कि असली का है पता ही नहीं, छाप दिया, ये गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता है।